सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में आपसे एक सवाल पूछूं कि गाइस रनिंग स्पीड में कौन सा करेक्टर जो है सबसे बेस्ट आता है। भाई आपके दिमाग में, भाई आपके माइंड में दो करेक्टर सबसे पहले आएंगे। पहला नो डाउट कि गाइस केली, केली काफी ज्यादा फास्ट है। और दूसरा गाइस शायद मैं पूछूं तो भाई वो जोशअप भी आएगा, क्योंकि गाइस जोशअप और केली दोनों जो है रनिंग के लिए बने थे फ्री फायर में। लेकिन गाइस अब जोशअप की जो एबिलिटी है वो इतनी ज्यादा खास नहीं रही अब भाई फ्री फायर में। लेकिन अब जोशअप की एबिलिटी को भाई घमासान घुटम घुट देने वाला करेक्टर आ चुका है, जिसका नाम है गाइस तत्सुआ। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, बिल्कुल न्यू करेक्टर है। लेकिन गाइस ये भी हमारे रनिंग स्पीड के लिए बना है, और केली भी गाइस नो डाउट कि भाई रनिंग स्पीड के लिए, मूवमेंट स्पीड यानी कि आपको पता होगा, जिससे हम फास्ट जो है रन कर सकते हैं फ्री फायर में, ठीक है, फास्ट रन कर सकते हैं। तो भाई दोनों करेक्टर जो है गाइस यार काफी ज्यादा बेस्ट है। लेकिन क्या होगा, दोनों में हम घुटम घुट कराएं, यानी कि गाइस दोनों को हम वर्सेस कराएं, तो दोनों में से कौन सा विनर निकलेगा, यानी कि सीधा मतलब है कि दोनों में से ज्यादा फास्ट कौन। मैं बता देता हूं आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे, ठीक है, दोनों करेक्टर में से ज्यादा फास्ट कौन है। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं भाई, पूरा प्रूफ के साथ देखेंगे। तो यार वीडियो यार काफी ज्यादा मजेदार है, तो यार वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक और यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार फ्री फायर से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो आज शुरू करते हैं यार अपन बिना किसी देरी के। सो गाइस अभी हम फाइनली आ चुके हैं अपने बरमूडा में। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो, ये है भाई रेसिंग ट्रैक, जो कि फ्री फायर में गाइस जाना माना रेसिंग ट्रैक है। अब वैसे तो भाई यहां पर जो एरोप्लेन की लैंडिंग होती है, लेकिन गाइस आज उनको पता चल चुका है कि भाई घमासान घुटम घुट होने वाली है केली वर्सेस तसुआ में। तो भाई एयरपोर्ट बंद कर दिया गया भाई, ठीक है, एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, मजाक कर रहा हूं, ठीक है गाइस। सो गाइस यहां पर जो है गाइस यहां से हम इसको जो शुरू करने वाले हैं, ठीक है, यहां से जो है शुरू करने वाले हैं। और भाई वो जो आप लाइन देख रहे हो ना गाइस, वहां हम इसको फिनिश करेंगे, ठीक है, पूरा भाई एंड तक फिनिश करेंगे। देखते हैं भाई केली कितनी ज्यादा फास्ट है विदाउट टाइमर, ठीक है, विदाउट टाइमर नहीं गाइस, विद टाइमर, भाई ऐसा पता नहीं चलेगा, तो टाइमर के साथ देखेंगे। तो चलिए गाइस यार अभी भाई भगवाते भाई इसको दबा के भाई। 4, 3, 2, 1 सो गाइस चलिए भाई रन करते हैं भाई। टाइमर आप यहां पर देख सकते हो भाई, तो अभी भाई रन कराते हुए जा रहे हैं भाई। देखना ये है भाई कितने सेकंड में आएंगे भाई, कितना सेकंड यहाँ पर लेती है हमारी केली। जैसे कि आप भाई साइड में देख सकते हो, हमारा जो है मतलब टाइमर जो है रन कर रहा है, ध्यान से देख लेना भाई। तो अभी बस देखना ये है भाई कितना टाइम जो है गाइस यहाँ पर लेती है, ठीक है। तो भाई पूरा हमें एंड तक पहुँचना है, तो यहाँ पर भाई 22 हो चुका है भाई। अभी देख लेते हैं भाई कितना ज़्यादा फास्ट है गाइस हमारी यहाँ पर केली। तो ओके गाइस भाई बस पहुंचने ही वाली है भाई, कितने सेकंड यहाँ पर लेने वाली है वो अभी यहाँ पर भाई पता चल जाएगा। पूरा एंड तक पहुँचन देते हैं बस थोड़ा सा और भाई, 37, 38, 39, 40 गाइस यहाँ पर गाइस बस पॉज कर देते हैं। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो 43 सेकंड जो है गाइस यहाँ पर हमारी केली ने जो है गाइस यहाँ पर पूरा मतलब रन यहाँ तक आने में, वहाँ से भाई यहाँ तक आने में रेसिंग ट्रैक से, तो 43 सेकंड जो है गाइस यहाँ पर हमारे यानी केली करेक्टर ने जो है गाइस यहाँ पर लिया है। तो गाइस अभी हम देखते हैं भाई तत्सुआ कितने मतलब कितना टाइम यहाँ पर लेता है, यानी कि कितने सेकंड जो है यहाँ पर लेता है इसी रेसिंग ट्रैक पर देखने वाले। तो यार वीडियो फुल वॉच करना। तो चलिए गाइस इसके बारे में भी देख लेते हैं हमारे तत्सुआ के बारे में, ठीक है। सो गाइस अभी लेकर आ चुके हैं तत्सुआ को, तो इसको भी भाई जल्दी से यहाँ पर रन कराते हैं, ठीक है। तो इसकी एबिलिटी भी यहाँ पर भाई एक बार क्लिक कर देते हैं। भाई देख सकते हो कितना ज़्यादा फास्ट है भाई यहाँ पर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है भाई। और चार्ज होने देते हैं यहाँ पर, 15 सेकंड हो चुका है भाई, HP भी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हो जाएगा इतने में। तो भाई दोनों भाई शुरू कर दिया भाई 22, 23 भाई देखना ही है भाई विनर कौन सा निकलता है भाई। केली ने भी भाई काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था यहाँ पर, अभी भाई देखना ही है भाई तत्सुआ यहाँ पर क्या कर पाएगा, कितने सेकंड में गाइस यहाँ पर कर सकता है। उसने भाई 40 या 43 के आसपास ही करा था उसने, लेकिन हमारे तत्सुआ ने भाई 39 बस 1% कम गाइस, 1% भाई यहाँ पर 1 सेकंड कम जो है गाइस यहाँ पर हमारे तत्सुआ करेक्टर ने करा है भाई। यहाँ पर HP भी जाने वाली है। अब भाई देख लेते हैं कंक्लूजन भाई दोनों में से बेस्ट कौन है, ये भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है भाई, खत्म भी हो चुकी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो गाइस यार जैसे कि मतलब आपने देखा भाई दोनों की जो एबिलिटी है भाई वो सेम ही है, लेकिन गाइस इसमें कुछ भाई डिसएडवांटेज भी आते हैं और एडवांटेज भी आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप तत्सुआ एबिलिटी देखोगे, तत्सुआ की जो स्किल है वो गाइस यहाँ पर एक एक्टिव स्किल है, तो यहाँ पर आप इसकी मतलब डिटेल दे सकते हो। इसकी जो भाई इसकी एक एक्टिव स्किल है यहाँ पर, यानी गाइस एक्टिव स्किल का मतलब ये होता है जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे कि दोस्तों ये हमारा रोनाल्डो करेक्टर है, ठीक है, इसकी एक एक्टिव स्किल है जिसमें गाइस हम इसकी एबिलिटी को हम किसी और करेक्टर पर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि हम मैक्सिम पर हम इसकी रोनाल्डो की एक्टिव स्किल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गाइस हम अलोक पर रोनाल्डो की मतलब स्किल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि गाइस दोनों की एक्टिव स्किल है। लेकिन हाँ गाइस एक एडवांटेज आता है आप तत्सुआ करेक्टर पर, ठीक है, जो हमारा तत्सुआ करेक्टर भाई उस पर आप केली की एबिलिटी यूज
यूज़ कर सकते हो, ठीक है। केली और तस्सुआ भाई दोनों अगर आपस में भाई मिल जाएंगे ना तो भाई फायर भाई, दोनों मतलब एकदम भाई दोनों की एबिलिटी भाई सेम ही है जहाँ तक। लेकिन गाइस डिसएडवांटेज आता है कि भाई वो आता है कि गाइस हमारे तस्सुआ करेक्टर वो जो है गाइस बस कभी कभी जो है यूज़ करने के मिलती है इसकी एबिलिटी, बाकी नहीं तो ये सिंपल सा हो जाता है। बस हम दो बार इसका यूज़ कर सकते हैं, फिर इसका कूल डाउन भाई 120 सेकंड में, ऐसे कि आप यहाँ पर सामने देख सकते हो। अब मैं गेम में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल लिख रही है, यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो इसलिए गाइस यहाँ पर जो है इसका थोड़ा डिसएडवांटेज आता है, लेकिन केली का एडवांटेज ये आता है कि भाई उसकी एबिलिटी आप किसी भी मतलब पूरे गेम में यूज़ कर सकते हो, उसका कोई कूल डाउन नहीं है, यानी कि वो रिचार्ज नहीं होती है, उसे आप अनलिमिटेड किसी भी टाइम पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन तस्सुआ करेक्टर की भाई एक डिसएडवांटेज है कि गाइस इसकी एबिलिटी को आप दो बार यूज़ कर सकते हो, लेकिन गाइस एक बार रन करा फिर दूसरे बार फिर ये कूल डाउन में चला जाएगा, क्योंकि गाइस एक्टिव स्किल है ना, एक्टिव स्किल में ऐसी होता है, स्काइलर में भी ऐसी होता है, स्काइलर भी चार्ज होता है, फिर रोनाल्डो का भी भाई चार्ज होता है, अलोक भी फिर चार्ज होता है, लेकिन पैसे भी स्किल में ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। तो भाई दोनों का अगर विनर देखा जाए तो भाई वो केली आती है, क्योंकि केली बेस्ट है एज कम्पेयर टू तस्सुआ, लेकिन अगर तस्सुआ भी बेस्ट है, लेकिन आप तस्सुआ पर जो है गाइस आप अपने जो है केली लगा कर खेलते हो फुल मैप में, तो भाई जहाँ तक भाई दोनों को फायदा भी है, ठीक है, दोनों भाई अगर लग जाएंगे तो दोनों भाई एकदम फायर बन जाएंगे, ठीक है, डबल स्पीड आप गेन कर सकते हो। लेकिन गाइस ओवरऑल विनर देखा जाए तो वो केली है, तो गाइस नो डाउट गाइस आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना, अगर गाइस और भी आपको कोई डाउट रहता है कि भाई हाँ ये बेस्ट है ये वो, तो कमेंट करके बता देना नीचे। तो यार इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लेना भाई, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।